कैसा भेड़िया का ढोकलापन देख रहे? गुड़गांव में रहता ना तू? आजा। अरे कितना चाटोगे, चलो खरगोश को मारने चल रहा है। देख लो रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब कोई ना अपनी सेना बुला लेंगे। भाई सेना नहीं आएगी, आपने उनका भी एड्रेस लीक कर दिया। अब कौन चूतिया मेरे अकाउंट कार्ड में? आप ही हो भाई। यार तुम्हें कितनी बार बोला मुझे नशा करने से रोक लिया। मैंने रोकने की कोशिश करी थी, आपने मेरे एड्रेस लीक करने की धमकी दे दी। अरे छोड़ो गाड़िया निकालो, चलो। गाड़िया? भाई आप तो अकेले जाने वाले थे। चल रहा है नहीं चल रहा। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। तो चलो कूटे उसे। मीडिया भाई के सामने को तेरी बाढ़ की साढ़े ज्यादा ट्वीट करेगा। अरे भाई रुको 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 रुको, एंगेजमेंट बढ़ गई, एंगेजमेंट बढ़ गई। गाइस थैंक यू फॉर 1 मिलियन फॉलोवर। मैं और मीडिया भाई बचपन से दोस्त हैं। हम लोग चूतिया भाई चारा वन टॉप। मैं चला फ्री फायर खेलने। तो कैसे हैं आप लोग? प्रॉब्लम एक औरत है जो कि पहले एक लड़की थी, उसके बाद एक औरत बनी। हाय लड़की औरत ही तो बनेगी, गंदगी थोड़ी हो जाएगी। ये कौन गुलजार का चौथा स्क्रीन पे लिख रहा है? सोचो तुम रात को टीवी देख रहे हो और एक नंबर वॉल्यूम ऊपर कर देते हो, लेकिन फिर तुम्हारा बाप आ जाता है। आवाज बंद कर। आज हम एक ऐसा शो देखने वाले हैं जिसके होस्ट ने अपना 40 साल का नाबालिग जीवन गाड़ी में गुजारा है। हिंदुस्तानी भाव और भाव ये शो नहीं चला रहे, दुनिया को छुट्टियां बना रहे, क्योंकि लोगों की दिक्कत है। सुन लो, मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ सेक्स करते देखा। तो इसमें भाव क्या करेंगे? बाप बेटी के बीच में लेट जाए या बाप को बोल दे लौड़े यहाँ से निकल? तो आओ यार देखते हैं भाव का नाजायज इंसाफ और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एक तो आज मेरे पहली सर में दर्द हो रहा, मैं तो गोली खा रहा हूँ। नायक की दवाई से प्रेग्नेंट हुई थी। अरे बहन चूतिया, अरे हमें क्यों डरा रही हो? पति चूतिया क्या, उस पर भरोसा नहीं है? वो तो बहुत ही गुस्सा हो रहा होगा। नायक ही वो आदमी है जिसकी वजह से हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। तो तू बैठ के हिला रहा है क्या? और नायक को तो पति प्लेयर बना दिया। कौन है ये नायक? अबे खुदा दा लग रहा है बच्चा पूरा कहाँ से कर देगा, और बीमार और लग रहा है। बच्चा होना हो एड्स जरूर दे देगा, और उसकी दाढ़ी देख लो 4 किलोमीटर दूर से भी नकली लग रही है। खैर छोड़ो, भाव को इससे बात करने देते हैं। भाव भी मैं किससे रहा हूँ, आजकल बात कौन करता है, कूटने में ज्यादा मजा आ रहा है। और तुम लोग को और एक जादू देखने गए? अरे खुलासा, ये तो हमें पता ही नहीं था। सेट पे जो चाय बेचता उसे दाढ़ी लगा के बैठा दिया। क्यों? ताकि भाव अपना हाथ गर्म कर सके। हम लोग गिने चुने लोगों को ना जो सच में जेनुइन है उनको यहाँ पे बुलाते हैं। भाव को पता ही नहीं है शो स्क्रिप्टेड है, शो वाले मजे ले रहे हैं। भाव भावनाओं में इतना बह जाते हैं, एक्टर्स की लाइन ही खा जाते हैं। मुझे चुप रहे, देख हंस रही है। बोलनी तो दो। अब क्या बोलेगी, कैरेक्टर तो टूट गया। पूरा शो स्क्रिप्टेड है, बस भाव स्क्रिप्टेड नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और मुझे 100 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। भाव थोड़ी दिलवा देंगे? आपने मेरा बच्चा नहीं दिलवाया ना, तो मैं ये जहर खा लूंगी। नौटंकी देख लो, इसके 50 रुपए ओवर एक्टिंग के तब काटते जब उतने मिले होते। इससे ज्यादा महंगे तो कोठे वाली के रेट है। एक लव लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप इस लेटर को पढ़े। अरे भाव से लेटर के पढ़वा रहे हो? भाव ने इंग्लिश का पेपर भी हिंदी में दिया था। इट्स ओके, या नीचे हिंदी में लिख देता हूँ ताकि भाव को भी समझ आए। मेरे पापा ने ये लेटर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है सर। तो तू डाकिया बनके क्यों घूम रहा है? भाव गांड फाड़ देते तेरे से चिट्ठी नहीं फाड़ी गई। आओ इस चुज्जे की गर्लफ्रेंड से मिल लेते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि बॉलीवुड में मेरा भी आपकी तरह नाम हो। हैं? भाव का अपने गांव में नाम नहीं है, बॉलीवुड में कब से आ गया? क्या औरत है, गेट वॉक सीख ली लेकिन दिमाग से तो लंगड़ी रह गई। वो मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं। योर फादर कीप्स मी सैटिस्फाइंग बैड। अब शिक्षा केंद्र की छठी फेल औरत पहले बोलना सीख ले। सैटिस्फाइंग बैड, यहाँ डैडी इश्यूज नहीं है, डैडी ही इशू है। भाव में जवान और अपने बेटे से ज्यादा जवान है। अनिल कपूर के 14 चूचे निकल रहे हैं और दाढ़ी के साथ झाड़ भी सफेद हो रखी है। जवान बच्चा उठक बैठक निकल के बता। निकल गई जवानी, घुटनों से पहले गांड ने जवाब दे दिया। ऐसे शुगर डैडी का क्या फायदा जिसे खुद शुगर हो। शादी करेगा इसके साथ? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है ये चूतिया। कौन है ये दूसरी लड़की? मम्मी आ? क्या मम्मी आ? अबे ये कैसी रिश्तों में चोदने की आदत है, तो स्नेक वाली गेम खेल रहा, एक दिन खुद ही को चोद देगा। और इससे पहले ये लड़की कह रही थी हर लड़की चाहती है आपके फादर के साथ सोना। कट्टू मम्मी आ? लिटरली मां चोदती है भैया जी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड नेहा के 2 को बॉयफ्रेंड। तो तू क्या कर रहा है, वो जब थ्रीसम करते होंगे तू बैठ के एक्सेल शीट बनाता है क्या? इसमें तो बहुत ही इंटरेस्ट आ गया। नहीं ये कैसे चलता है सिस्टम? महीने में 13 दिन मुझे डेट करती है, 13 दिन ऋषि को डेट करती है। तो ओड वाले जितने दिन है वो मेरे है और इवन वाले ऋषि के। आज क्या दिन है? इवन डे। तो तू यहाँ क्या कर रहा, देखने आया क्या? दूसरे लौंडे से दिक्कत नहीं होती? बॉयफ्रेंड इन लॉ होने के बावजूद भी हम बेस्ट बडीज बन गए। सन इन लॉ सुना, फादर इन लॉ सुना, बॉयफ्रेंड इन लॉ क्या होता है? मुझे लगा एक दूसरे से दुश्मनी होगी। इन चूतियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, इन्हें लग रहा सही है दबाने को मिल रहा है। अबे साले तुम खुद दब रहे हो। लेकिन अभी रुको जरा, सबर करो। ये तो सुनो भाव लड़की के बारे में क्या कहते हैं। वो उसके जगह पे सही है, उसका तरीका अलग हो सकता है मगर उसकी नीयत नहीं। भाव सिंपल बनना था, सिंप नहीं। भाव लड़कियों को अलग ही फ्लेवर, सॉरी फेवर देते, फेवर फेवर वो मां नहीं
नहीं बन सकती बाबा। ये शब्द यूज किया ना उसकी आधी गोलियां तेरे भी कान में डाल दूंगा। कितने अच्छे हैं भाव, लेकिन जब लौंडों पे बात आती है। मेरे पति कभी भी पिता नहीं बन सकते। नेटवर्क में प्रॉब्लम तेरे, वो तो बेचारी वाईफाई ढूंढेगी ना। बाकी गोलियां तुम्हारी कान में डाल दे। ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं। कितने अच्छे हैं भाव, किसी पे हाथ उठने नहीं देते। मेरे तरफ से भी दो। लौंडों का तो कुत्ता ही बना रखा है, लेकिन भाऊ की जब अपने पे बात आती है ना, लौड़ी है लौड़ी। लेकिन नहीं नहीं, कितने अच्छे हैं भाऊ, अच्छाई की परछाई में उड़ते पंछी है भाऊ। अब सोचो प्रिंसिपल ने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया, लेकिन प्रिंसिपल भाऊ है। तेरे को बैठने को बोला, उठ खड़े रहो। अरे भाऊ अभी तो बस आया ही है, क्यों फट रहे हो? बैठ बैठ तू, अभी बैठ, लौड़े खड़ा रहे। अरे लेकिन फिर बुलाया क्यों यहाँ पे? तेरी गांड मारने के लिए बुलाया हूँ मैं। तो गांड मारना क्या होता है बेटा? उसका डायग्राम नहीं होता, उसका तो प्रैक्टिकली होता है। आओ केबिन में। इसने मुझसे कहा था कि माधवी को पटाना चाहता ताकि माधवी इसे सारे रैंक्स में नंबर वन पहुंचा। अबे ये क्या हो रहा है? स्टूडेंट अपने टीचर के साथ चीट कर रहा है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के बाप के साथ चीट कर रही है, और स्टेप फादर अपनी बेटी के साथ चीट कर रही है। एक मिनट, कहां देखी है ये कहानियां? जिन लोगों ने पहले गेस कर लिया, रिस्पेक्ट। बादशाही मुठ्ठल हो तुम, और पॉर्नहब की तरह भाऊ का एंड तक एपिसोड देखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि कोई कंक्लूजन ही नहीं है। लेकिन भाऊ को सब थैंक यू जरूर बोल के जाते हैं। थैंक यू भाऊ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट भाऊ। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में काम देने के लिए, इसीलिए आपका थैंक यू, दिल से थैंक यू भाऊ। अबे इससे बढ़िया तो राखी का इंसाफ है। चिल्ला मत, अरे चिल्ला के नहीं, तू चिल्ला मत, झूठ मत, जो इंसान गलत करेगा वो तो झूठ। चल मार, भाई इतनी गालियां मुझे बीप करना पड़ रहा है, बस हो गया खत्म, गायब। अब अगर तुम भी अपनी प्रॉब्लम लेके भाऊ के पास जाना चाहते हो तो लाइक मारो, एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। अरे कर दे भाई यार, कर दे प्लीज, कर दे यार, वरना तेरी गांड मरा थाईलैंड जाके। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ कॉन्ट्रोवर्सी करो या भाईचारा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब बेबी पहली फुर्सत में निकलने जा रहा हूँ, बाय। अरे तूने देखा अंबानी की शादी में क्या हुआ? समझ आते हैं और आपको ऐसे अड़ा छोड़ो बेटा, मैं वर्जिन।